आज मैं बना रही हूँ बाटी, दाल और बाटी। दाल और बाटी बन के हो गए हैं रेडी, और बस आप भी आ जाइए, खाइए हमारे साथ। कैसा लगा आपको दाल बाटी? आप में से कौन कौन जानता है, प्लीज़ बताइए। आज मैं आई हूँ अपने टेरेस पर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है वहाँ से। बहुत अच्छा लगता है टेरेस पे जाना। आज मौसम बहुत अच्छा था ना, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा टेरेस पे भी घूम के आती हूँ आप लोगों के साथ। आपको भी अपने साथ ले जाती हूँ अपने टेरेस पे। देखिए आपको कैसा लगा? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ना हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। हवा जब चल रही हो तो टेरेस पे जाना तो बनता है, थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ। मैं सोचा कि थोड़ा सा चलो घूम करके आती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी कितना प्यारा दिख रहा है, हरा भरा दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बादल भी देखिए, बादल भी बहुत अच्छे से हो रखे हैं, बस ऐसा लग रहा है बारिश होने ही वाली है। वैसे भी यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हेलो, और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन। और आज का ब्लॉग मैंने अभी इस टाइम से शुरू किया है। अभी अभी हम लोग गए थे टेरेस पर, अभी जस्ट अभी आए हैं नीचे। तो आइए आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक पौधा दिखाती हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है गिलोय, और ये बहुत अच्छा होता है, कई बीमारियों में काम आता है। पत्ता इसका कुछ इस तरीके का है, तना इसका अभी पतला है क्योंकि ये अभी लगाया है मैंने। और जो इसका ये मोटा वाला तना होता है ना, ये काम में लिया जाता है। अभी जो आपने एक पौधा देखा है ना, उसको गिलोय बोलते हैं, जो मैं आपको दिखा रही थी। गिलोय बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से मैंने उसको ना अपने घर में ही लगा रखा है। जैसे ये कभी कभी बुखार आ जाता है, तो बुखार में क्या उसका काढ़ा बना के आप पी लोगे ना तो बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब मैं तो बना के पी लेती हूँ और मैं सही भी हो जाती हूँ, मतलब मुझे तो वो सूट करता है बहुत। और कई जगह इसको भूर बेल भी बोलते हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। बारिश के मौसम में तो बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी और मलेरिया डेंगू, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी बीमारियों के तो इतने सारे नाम है ना जितने के शायद मुझे आते भी नहीं होंगे। तो इन सबसे बचने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, जैसे बारिश का मौसम शुरू हुआ या कोई भी मौसम बदलता है या कुछ होता है ना, तो मैं तो उसका काढ़ा बना के पीना शुरू कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पीते हैं और मैं भी। और अगर ये कहीं कहीं ये जैसे अब बेल मैंने तो घर में मुझे कहीं से मिल गई तो लगा लिया, अब नहीं है तो फिर तो पतंजलि पे ना इसका एक पैकेट मिलता है, गिलोय का चूर्ण वो मिलता है, तो मैं वो भी ले आती हूँ मार्केट से, उसका काढ़ा बना के वो भी यूज़ कर लेती हूँ, वो भी अच्छा होता है। और बताइए आपके यहाँ का मौसम अभी तक ठीक हुआ कि नहीं हुआ, या गर्मी ही पड़ रही है? यहाँ का मौसम तो बहुत प्यारा हो गया है। अभी अभी मैं छत पे भी गई थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो यार घूम के आते हैं, थोड़ा सा मन हो रहा था कि घूम के आऊँ मैं ऊपर। तो अभी अभी जस्ट अभी छत से आई हूँ और मैंने सोचा कि वो जो गिलोय का पौधा है, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ मैं। वो बेल होती है, बेल की तरह मतलब फैलती जाती है, जहाँ उसको जगह मिलेगी ना वहीं फैलती जाएगी। और बस मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता देते हैं। और बताइएगा आप लोगों के काम होगा या नहीं? मेरे तो अभी खाना पीना हमारा हो गया है आज। हमने जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, दिखाया अभी आगे मैंने आपको कि आज हमारे यहाँ पर दाल बाटी बनाई थी मैंने। दाल बाटी अधिकतर सभी लोग जानते हैं, बहुत कम है जो नहीं जानते होंगे। एमपी के तो सभी लोग जानते हैं दाल बाटी, यहाँ पे तो बहुत बनती है, बहुत शौक से आदमी लोग खाते हैं। और बस यहाँ पे थोड़ा सा टिक के बैठ गई हूँ, वो अभी छत पे गई थी तो काफ़ी देर तक घूमते रहे वहाँ पे, थक गए। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दीवार से टिक के बैठते हैं। चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। 6:30 बजे का टाइम हो गया है, जो कि दिया बत्ती का टाइम होता है, और इस टाइम पे मैं बस वही कर रही हूँ। पूजा करने के बाद
और ये दिया लगाने के बाद फिर हम निकलेंगे साईं बाबा के मंदिर, जो कि हम हर गुरुवार को जाते हैं। और कभी कभी होता है कि नहीं भी जाते हैं, लेकिन वैसे हम हर गुरुवार को ही जाते हैं। आपको भी दर्शन कराऊंगी मंदिर के। ये साईं बाबा मंदिर है। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज गुरुवार है। वैसे यहाँ पर हम आते रहते हैं, जब भी मन करता है, जी चाहता है, घर के पास ही है, तो बस जब भी मन करता है दर्शन करने के लिए चले आते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए साईं बाबा जी के। रात का टाइम हो रहा है, इस टाइम 9 बज चुके हैं और अभी जस्ट मैं मंदिर से वापस आई हूँ। पास में ही हमारे साईं बाबा का मंदिर है जहाँ पर कि अभी हम लोग गए थे, और बस अभी वहाँ से वापस ही आए हैं। आज खाना मुझे बनाना नहीं था शाम को, क्योंकि जो हमने दोपहर में दाल बाटी बनाई थी, जो मैंने आपको बताया भी था, तो वो अभी रखी है, इसलिए मुझे आज खाना भी नहीं बनाना है अभी। और बस मेरा जो आज का ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा बताइएगा। और हम जब मंदिर से वापस आ रहे थे तो आज हमें रास्ते में रथ यात्रा भी मिली। आज जगन्नाथ भगवान जी की जो रथ यात्रा निकलती है ना, तो आज वो यहाँ पर भी थी, तो मैंने उसकी भी क्लिप बनाई है थोड़ी सी। मैंने वहाँ पे मैंने सोचा कि ये क्यों ना थोड़ी सी क्लिप बना ली जाए आप लोगों के लिए, वो क्लिप भी मैं इसमें डालूंगी। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और कैसा लगा आपको ब्लॉग आप बताइएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो सब्सक्राइब आप जैसे आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद में एक बेल बटन भी आएगा, तो जो बेल बटन आएगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। उसको आप प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी न्यू वीडियो आती रहेंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। तो सब्सक्राइब जब भी आप करें बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।